श्रद्धया परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आठवां दिन, अभी हमने श्री उत्तराध्ययन सूत्र के आठवें अध्ययन का मूल पाठ श्रवण किया। अब हम जानेंगे उसका विवेचन, उसमें भगवान ने हमें क्या संदेश दिया और इस आठवें अध्ययन का क्या नाम है। उससे पहले हम सात अध्ययन के नाम दोहरा लेंगे, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। रोज रोज दोहराएंगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि कब आपको नाम सारे क्या हो गए, याद हो गए। तो चलिए, पहला अध्ययन है विनय श्रुत, दूसरा है परिशह प्रविभक्ति, तीसरा है चतुरंगीय, चौथा है असंस्कृत जीवन, पांचवा अकाम मरण, छठा है शुल्लक निर्ग्रंथ और सातवा अध्ययन कल था एलयम यानी एलक। आज आठवें अध्ययन का नाम है कापिलियम। क्या नाम है? कापिलियम यानी कपिल से संबंधित। यदि आपको कापिलियम न याद रहे, आप कपिल याद रखो। कपिल का अध्ययन है आठवां अध्ययन, ऐसे भी याद रहेगा तो इस अध्ययन में भगवान ने हमें धर्म कथानु योग के माध्यम से संदेश सुनाया है। यानी इस अध्ययन को बताने की शैली जो है, चार तरह की शैलियां हमने सुनी, उसमें ये कौन सी शैली है? धर्म कथानु योग, यानी कपिल की कथा के माध्यम से भगवान ने जो संदेश हमारे अंदर संजोने के लिए बताया, वो संदेश समझ में आए। कपिल की कथा सबको पता है, मगर ये सुनकर या ये सोचकर मत सुनना कि मुझे पता है, फिर संदेश नहीं समझ आएगा। क्योंकि जब पता है तो जो आपको पता है वही आपको डिस्टर्ब करता रहेगा, और जो हम बताना चाहते वो क्या हो जाएगा, ओझल हो जाएगा। तो कपिल कौन है ये तो हम जानेंगे ही सही, मगर इसमें जो सिद्धांत भगवान बताना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन चिंतामय तो है ही। कौन ऐसा है जिसे चिंता ना होती हो? किसी को शरीर की चिंता नहीं है तो मन की चिंता है, मन की चिंता नहीं है तो वस्तुओं की चिंता है, वस्तुओं की भी किसी को चिंता नहीं है तो मुझे सम्यक दर्शन कब होगा, ये तो चिंता है ना। मैं मोक्ष में कब जाऊंगा, ये तो चिंता रहती है। जीवन चिंतामय रहे, मगर जीवन को जब चिंतन की दिशा मिलती है, चिंता से जब हम चिंतन की तरफ आते हैं, चिंतन हमारा जब स्वमुखी होता है, स्वमुखी यानी अपनी तरफ लाने वाला होता है, तो ये स्वमुखी आत्मचिंतन ही कैसे आत्म कल्याण का कारण बनता है वो इस कथा के माध्यम से बताएंगे। किसकी कथा है? कपिल की। यानी ये कपिल केवली बना, मगर उससे पहले वो कौन था, वहां से लेकर के पूरी जीवन गाथा के हर मोड़ पे यहाँ संदेश है। एक घटना के द्वारा यदि हम मैसेज सुनते हैं तो हमें अपने जीवन पर घटाना भी क्या होता है, आसान हो जाता है। इसलिए पूरी कथा कपिल से स्टार्ट होगी, जो राज पुरोहित कपिल हैं, मगर उसका एक ही रोल नहीं रहता जिंदगी में। आज वो राज पुरोहित कपिल हैं, कल वो विद्यार्थी कपिल बन जाता है, फिर वो आगे जाकर के
प्रेमी कपिल बनता है, फिर वो आगे जाके चोर कपिल बनता है, फिर वो आगे जाके चिंतनशील कपिल बनता है, फिर वो आगे जाके मोक्ष मार्ग खोलने वाला सम्यक दृष्टि कपिल बनता है और अंत में केवली कपिल बनता है। यानी एक ही आत्मा के एक ही जीवन में इतने सारे रोल है। ये सब क्या है? रोल है। रोल यानी बदल रहे हैं रोल, जैसे जैसे कर्म की रील चल रही है। मगर बदलते रोल के अंदर जिस दिन इस जीवन में ये समझ आ जाता है कि रियल क्या है, कौन है रियल, मैं रियल हूं ना, मैं यानी अब आपको पता है मैं यानी किससे नाता जोड़ा अपने, मैं यानी निज शुद्ध आत्मा से। ये जिस दिन रोल करते करते कर्म की रील चलते चलते रियल का बोध जिस दिन हो जाता है, उस दिन कैसे अंतर्मुखी चिंतन आत्म कल्याण का द्वार खोलता है, ये कपिल की कथा में ढूंढना है। कपिल की कथा मालूम है कि तरफ नहीं जाना, उसमें हमें क्या क्या ढूंढना है, इतनी चीजें इतने मोड़ जीवन में क्यों कैसे कब आते हैं, और चिंतन कैसे आत्म कल्याणकारी अंतर्मुखी बनता है, इस पे फोकस रखते हुए अब कथा शुरू होगी। कथा है किसकी? कपिल की। कपिल राज पुरोहित का बेटा है। कौशंबी नगरी की उस समय की बात है, राज पुरोहित का पुत्र है। और राज पुरोहित का मतलब ये होता है कि उसका इतना सम्मान होता है राज पुरोहित का कि यदि वो दरबार में आ जाए तो राजा स्वयं उठ के क्या करते हैं, उसके स्वागत में खड़े हो जाते हैं। यानी कितना सदाचारी होगा, कितना विवेकी होगा, दरबार में हर कोई उसका सम्मान करता होगा। और ऐसे राज पुरोहित का बेटा है कपिल। कपिल अभी छोटा ही था कि उसके फादर का साया उसके सिर से उठ गया, माँ अकेली रह गई। और कहते हैं दूसरा राज पुरोहित उसकी गद्दी पर आ चुका है। एक दिन की बात, घटना ऐसी घटित होती है। देखिए घटना ही जीवन को मोड़ती है और घटना ही जीवन को क्या करती है, दुर्गति में भी ले जाती है। घटना पे यदि हम चिंतन घटाएं, अपने भी जीवन के साथ चिंतन घटाएं, तो बहुत सारे रास्ते कल्याण के भी क्या हैं, खुलते हैं। एक दिन कपिल ने देखा बाहर में जो है रोड पर एक सवारी यानी शोभा यात्रा निकल रही है। राजा भी हैं, राज पुरोहित भी हैं। वो देखने में लग गया, उसने अपनी माँ को भी बुलाया, देखो क्या दिखाई दे नजारा। और वो नजारा देखते देखते माँ की आंखों से आंसू बहने लग गए। कपिल ने वो देखे और उसने आग्रह किया माँ से कि आपकी आंखों में आंसू क्यों है, बताना ही पड़ेगा। और उसने बता दिया। कहानी तो आपको पता है क्या? नहीं पता है, अच्छा चलिए, नहीं पता तो बहुत सुंदर है, पता है तो भी बहुत सुंदर है। उसने ये बता दिया कि बेटा मुझे तेरे पिताजी की याद आ गई, क्योंकि उनकी भी सवारी कैसे निकलती राजा के साथ, ऐसे ही निकलती थी और मुझे याद आ गई उनकी। और तू बेटा छोटा है, पढ़ता भी नहीं है, तू कहाँ राज पुरोहित बनेगा, क्या तेरी जिंदगी होगी, ये भी पता नहीं है। और कपिल को वो बात लग गई। बात सुनना अलग है और बात लग जाना बहुत अलग है। जब बात लग जाती है तो कुछ अंदर में निकल आता है, जब कांटा चुभ जाता है तो अंदर से क्या निकलता है, क्या निकलता है, कांटा चुभे तो खून निकलता है अंदर से। फूल पे पैर रखोगे तो कुछ नहीं निकलता, निकलता है कुछ अंदर से। यही सुख दुख की बात है। जब जीवन में दुख की घटना आती है, दुख लग जाता है, चुभ जाता है, वो अंदर से कुछ निकाल देता है। कपिल के जीवन में जब ये समय आया और उसने माँ के आंसू देखे, उसने अपनी तरफ देखा कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं राज पुरोहित नहीं बन सकता। और उसने माँ से कहा, माँ मुझे पढ़ना है। माँ ने कहा, पढ़ाएगा कौन, अपने पास तो पैसे भी नहीं है। अगर कोई पंडित तुझे तभी पढ़ा
खा सकते हैं जब मेरे पास क्या हो, पैसे हो, मेरे पास रुपये हो, मगर वो भी मेरे पास सुविधा नहीं है। और कपिल चिंतित हो गया। उसने माँ से कहा, नहीं मैं पढ़ के रहूंगा, कोई तो रास्ता खोजो। और माँ ने रास्ता खोज लिया। तेरे पिताजी के एक मित्र हैं जो श्रावस्ती में रहते हैं, वो अवश्य यदि तू उनके तक पहुंच जाए तो वो तुझे पढ़ाने से मना नहीं करेंगे और बिना पैसे लिए क्या करेंगे, पढ़ा देंगे। और कपिल हर्षित हो गया, उठ के खड़ा हो गया, माँ पढ़ लिख करके आऊंगा और मैं अपने पिताजी का पद ग्रहण करूंगा। माँ के पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है, संकल्प करता है, मगर ये संसार का स्वरूप बड़ा विचित्र है। जैसा आप करना चाहते हो वैसा या हो जाए तो फिर ये दुनिया बहुत बेहतरीन होती। जैसा आप सोचो वैसा या हो जाए तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही ज्यादा नहीं पड़ती। पर संसार का स्वरूप विचित्र है। कपिल निकल गया, कौशाम्बी से निकला, माँ का आशीर्वाद लेके निकला, पूरा संकल्प लेकर के निकला और वो श्रावस्ती पहुंच गया, इंद्रदत्त के घर पहुंच गया। जाके उसने अपना परिचय दिया, उसने उसे पहचान लिया और बोला, मुझे क्या करना है आपके चरणों में, पढ़ना है। मगर इंद्रदत्त की हालत भी वही थी, सरस्वती की तो भरपूरता थी मगर लक्ष्मी नहीं थी। वो अपने ही गुजारा मुश्किल से करते थे। कपिल को पढ़ा तो देंगे मगर कपिल को खिलाएंगे कहाँ से, उसके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। मगर कपिल के सामने उन्होंने कोई समस्या नहीं दर्शाई, मात्र विचार मग्न हो गए और सोच में पड़ गए। और उन्हें भी रास्ता मिल गया। रास्ता ये मिल गया कि उसी श्रावस्ती का एक सेठ है जो सृष्टि ऐसा है, जो इंद्रदत्त का मित्र है और उसके कहने को वो टालेगा नहीं, ऐसा इंद्रदत्त को क्या है, भरोसा है। और उसने सेठ से बात करी, सेठ ने एक पल में हाँ कर दी कि ठीक बात है, कपिल रहेगा तुम्हारे यहाँ, पढ़ेगा लिखेगा तुम्हारे यहाँ, मगर तीन टाइम भोजन के लिए कहाँ आएगा, मेरे घर आएगा। और उस सेठ ने एक दासी की नियुक्ति कर दी कि तीनों टाइम आहार पानी यानी भोजन का ध्यान कपिल का कौन रखेगी। देखिए जीवन में घटनाएं जैसी घटनी होती है ना, नियति की सुई वैसे ही क्या है, चलनी शुरू हो जाती है, निमित्त भी वैसे ही मिलने शुरू हो जाते हैं। कपिल इतना होशियार था, बुद्धिमान था, बहुत कम समय में सारे शास्त्रों का उसने क्या कर लिया, अध्ययन करने लगा। और कहते हैं घटना ने ऐसा मोड़ लिया कि प्रतिदिन तीन टाइम एक दासी के संपर्क में आने से नित्य परिचय जो है वो किस में बदल गया, प्रीति में बदल गया। रोज रोज का संपर्क जो है वो प्रीति में बदल गया और दोनों के बीच में क्या हो गया, प्रेम हो गया। और अब कपिल का मन पढ़ने में इतना नहीं लगता। इंद्रदत्त को समझ नहीं आया क्यों पढ़ने में मन कम लगा रहा है। इतने में कहते हैं उस श्रावस्ती नगरी में एक वसंत उत्सव आया। पहले उस जमाने के अंदर साल में एक बार वसंत उत्सव, बहुत बड़ा मेला समझ लीजिए, मेला लगता था। गांव के हर तरह के लोग उस मेले में जाते थे, आमोद प्रमोद करते थे। दासी ने कपिल से कहा, वसंत उत्सव आने वाला है, इतना सुंदर यहाँ पे मेला लगेगा और हम दोनों उसमें क्या करेंगे, आमोद प्रमोद करने के लिए जाएंगे मगर हमारे पास क्या नहीं है, दाम ही नहीं है। दाम ही नहीं तो कौन सा काम हो सकता है, पैसा ही नहीं है। कपिल ने कहा, मैं तो खुद ही यहाँ आके रोटी खाता हूँ, मेरे पास तो एक पाई भी नहीं है। और दासी ने एक दो दिन बीतने के बाद कपिल को आइडिया बताया, युक्ति बता दी, रास्ता बता दिया। पैसा चाहिए, बिना कमाए पैसा चाहिए, एक ही दिन में पैसा चाहिए। शेयर मार्केट नहीं था उन दिनों में। एक ही दिन में पैसा चाहिए और इजी मनी चाहिए। और वो अपना काम भी ना रुके, दासी ने युक्ति बताई कि हमारे यहाँ का जो राजा है वो क्या करता है,
वो क्या करता है, जो सवेरे सवेरे जो ब्राह्मण राजपुरोहित यानी ब्राह्मण होते हैं, सवेरे सवेरे जो ब्राह्मण उसके द्वार पे, किसके, राजा के द्वार पे आके बधाई गान करता है, शुभकामना का संदेश सुनाता है, अच्छी अच्छी शुभ सूचनाएं सुनाता है, तो हमारा राजा प्रतिदिन हमारा राजा ब्राह्मण को कितना सोना देता है दान में, 2 मासा सोना। कितना? 2 मासा सोना। 2 मासा सोना वो उस ब्राह्मण को देता है। सभी ब्राह्मण को नहीं देता, सब समय नहीं देता। कौन से समय देता है? सुबह के समय। और सबसे पहले लाइन लगती है ब्राह्मणों की, तो सबसे पहले जो आएगा उसको मिलेगा, बाकी लाइन में जो खड़े उनको नहीं मिलेगा। और ये सुनकर के हर्षित हो गया कौन? कपिल। कपिल हर्षित हो गया, माँ को भूल गया, पढ़ाई को भूल गया, दासी के प्रेम जाल में फंस गया, वसंत उत्सव दिखने लगा। अब तो वसंत उत्सव भी नहीं दिखता, मात्र क्या दिख रहा है, 2 मासा सोना। कल सवेरा होते ही सबसे पहले मैं वहां पहुंचूंगा, राजा को बधाई गान सुनाऊंगा, राजा मुझे 2 मासा सोना देंगे, हम वसंत उत्सव में जाएंगे, दोनों बड़े प्रसन्न हैं, अब नींद किसे नहीं आएगी, किसी नहीं आएगी नींद। कपिल को नींद नहीं आती, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि सो जाएगा तो नींद नहीं खुलेगी, तो मेरे से पहले कोई चला गया तो कल का दिन भी मेरा क्या हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। और अब आपको पता है, अनुभव किया होगा कभी आपने भी, जब नींद नहीं आती तो रात कैसी लगती है। अब रात तो उतनी है, रात तो जितने घंटे की थी उतने घंटे की है। जिस दिन आपको नींद आ जाती उस दिन आप कहते अरे इतनी जल्दी क्या हो गया, सवेरा। और जिस दिन नींद नहीं आती उस दिन क्या लगता है, अरे अभी घंटा भी नहीं हुआ, अभी 1 ही बजे, अभी 2 ही बजे, अभी 3 ही बजे, ऐसे लगता है ना, अनुभव किया होगा। कपिल की वो स्थिति हो रही, उसे तो मात्र दिखता है सूरज से पहले कहाँ पहुंच जाना, राजमहल, राजमहल में उस दरवाजे पे पहुंच जाना, बधाई गान गाना, और कोई मेरे से पहले नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए वो सोया नहीं। रात लंबी लगती है, लंबी रात में उसने सोचा अब सवेरा होने वाला होगा, कहीं मेरे से पहले कोई पहुंच न जाए। कपिल रात के अंधेरे में, मध्य रात्रि थी वो, मगर उसे मध्य रात्रि नहीं लग रही थी, मध्य रात्रि में भाग रहा है कपिल। और मध्य रात्रि में जो भागेगा और राजमहल की ओर भागेगा तो राजपुरुष उसे क्या समझेंगे, चोर। अब कपिल को चोर समझ के पकड़ लिया गया, किसके द्वारा, राजपुरुषों के द्वारा। समय था रात्रि का, मध्य रात्रि का, भाग रहा था राजमहलों के ओर, तो पूछने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। और उसको हथकड़ी बेड़ी डाल के रात भर कहाँ रखा गया, उस जेल में। और उसने कितना ही बोला कि मैं चोर नहीं हूं, मैं 2 मासा सोना लेने जा रहा हूं, अब कौन मानेगा उसकी बात, कौन मानेगा। समय का बड़ा प्रभाव है, किस समय आप कौन सी बात बोल रहे हो उसका बहुत महत्व है। और कहते कपिल की कोई एक बात नहीं सुनाई गई, और कपिल को सवेरा होते ही हाजिर किया गया, किसके आगे, राजा के आगे। अब एक जवान युवा पुरुष हथकड़ी बेड़ी में राजा के सामने खड़ा है, राजा उसे देखता है, वो राजा को देखता है। और आपको पता है ना, जैसे भाव होते हैं वैसा ही चेहरे भी झलक जाता है, वो मासूमियत उसके चेहरे पे राजा को लगी, तो पूछ लिया राजा ने कपिल को कि बता तू कौन है। अब कल्पना करके देखो, आप उसकी जगह होते और आपको राजा पूछता तू कौन है, तो आपके पास तो बहुत सुंदर जवाब है, क्या है जवाब, अरे एक बार बोल के तो देखो, कहानी में कहीं आप भूल तो नहीं गए, कौन है तू, तो आप तो बोल देंगे मैं तो कौन हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। पर कपिल को तो ये जवाब नहीं पता था।
कपिल घबराया हुआ था, कपिल का प्लान फेल हो गया था तो डर रहा था, इसलिए उसने डरते डरते घबराते घबराते कांपते स्वर से बोला, हे राजन, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी माँ भी चोर नहीं है, क्योंकि उसे अपनी माँ दिखाई दे रही ना अब, मैं भी चोर नहीं हूँ, मेरी माँ भी चोर नहीं हुए, मैं तो पढ़ने के लिए निकला था, मुझे तो यहाँ श्रावस्ती में पता लगा, आप तो 2 मासा सोना देते हो, सबसे पहले आने वाले को देते हो, मुझे रात को नींद नहीं आई, मुझे समय का भान नहीं रहा, मैं मध्य रात्रि में भागता रहा, राज पुरुषों ने मुझे पकड़ लिया और मैं आपके सामने हाजिर हो गया, सत्य का प्रभाव पड़ा किसके ऊपर, राजा पे, राजा पे सत्य का प्रभाव पड़ा, उन्हें पक्का निश्चय हो गया कि ये चोर नहीं है, चोरी करने वाला कभी अपनी बात को इतनी आसानी से बताएगा नहीं, वो तो छिपाएगा, और राजा इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि आप जानते हैं, राजा लोग यदि प्रसन्न हो जाए और राजा लोग यदि नाराज हो जाए, दोनों ही खतरनाक है। राजा प्रसन्न हो जाए तो क्या करते हैं, मुंह मांगा वरदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसने कहा, हे कपिल, मैं तुझ पे इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ, मैं तुझे समय देता हूँ, जो तुझे मांगना है सो मांग ले, 2 मासा सोना तो कोई बड़ी बात नहीं, आज तू जो मुंह से निकालेगा मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। जहां स्वतंत्रता मिले वहां चॉइस है ना, जहाँ स्वतंत्रता मिले वहाँ चॉइस है, और इसलिए कपिल ने अब घबराहट में भी ये नहीं बोला बस बस 2 मासा दे दो, ऐसा नहीं बोला, उसने भी समय लिया, उसने समय मांगा राजा से कि थोड़ी देर मुझे चिंतन का क्या दे दीजिए, समय। आप देखिए, जब भी किसी भावधारा में, किसी प्रवाह में आप चल रहे हो, आप अपने आप को ये सजेशन देना, सेल्फ सजेशन देना, थोड़ा चिंतन कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास तो हर समय स्वतंत्रता है, हर कर्म का उदय आपको चॉइस देता है कि नहीं, हर कर्म का उदय आपको हाथ पकड़ पकड़ के बोलता है कि गुस्सा आया तो गुस्सा आने वाला गुस्सा आपको हाथ पकड़ के बोलता है कि गुस्सा करो बोलता है, नहीं, कोई भी कर्म का उदय आपको अपनी तरफ जोड़ना नहीं चाहता, उसके अंदर ताकत ही नहीं है, वो तो क्या होता है, उपस्थित होता है, वो आपको जोड़ता नहीं है, मगर हम अपनी स्वतंत्रता का आज तक कभी भी प्रयोग नहीं कर पाए, और कपिल को स्वतंत्रता मिली, उसने चॉइस ली कि हे राजन, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं चिंतन करके बताऊंगा कि मुझे कितना इनाम आपसे लेना है। राजा सिंहासन पे बैठे हैं, कपिल को इशारा किया गया, पीछे अशोक वाटिका है, तू वहां अशोक वृक्ष के नीचे बैठ जा और सोच ले राजा से तुझे क्या चाहिए। और अब असली बात शुरू होती है कि ये कपिल अब जो चिंतन करेंगे वो कैसा चिंतन होगा, वो कहाँ मुड़ेगा, वो क्यों मुड़ेगा, और कैसे उनका चिंतन पर चिंतन से आत्मचिंतन की तरफ आएगा। अगर आप भी होते उसकी जगह तो यही कैलकुलेशन करते जो कपिल ने करी। वो सोचने बैठ गया, 2 मासा सोना की तो आप कोई बात ही नहीं रही, उसने सोचा 2000 मासा सोना मांग लो तो कैसा रहे, हम पूरा अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे, कपड़े भी ढंग के नहीं हमारे पास, कपड़े अच्छे पहन पाएंगे, आभूषण भी मैं दासी के लिए ला पाऊंगा, आदि आदि कल्पना लोक में वो विचरण कर रहा है। और तुरंत मन ने कहा, ये सब चिंतन करने वाला कौन है, मन है, तुरंत मन ने कहा, अरे 2000 मासा सोना तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तू तो 2 लाख स्वर्ण मुद्रा मांग ले, सीधा हाई जंप,
सीधा आगे चला गया। सोचा कल को शादी भी तो करनी है, शादी करनी है तो आगे कितना पसारा होता है, आगे बच्चे होंगे, आगे कमाना पड़ेगा। मैं तो रहा ब्राह्मण पुत्र, कमाना भी मुझे नहीं आता, और आज तो अच्छा मौका मिल गया। मैं तो ऐसा करता हूँ, ऐसा कुछ मांग लेता हूँ, मकान भी हो जाए, दुकान भी हो जाए, कमाना भी ना पड़े, पैसा भी सारी जिंदगी खत्म ना हो, ऐसा मैं क्या मांगू, क्या मांगू। मैं तो जागीर मांग लेता हूँ, मैं तो ऐसी जागीर मांग लेता हूँ, छोटी मोटी नहीं, आधा राज्य मांग लेता हूँ। ग्राफ कहाँ गया देखिए, आधा राज्य मांग लेता हूँ। वहां पर स्टॉप नहीं हुआ चिंतन, अभी सोचने लगा, मगर आधा राज्य तो किसके पास रहेगा, राजा के पास, और राजा तो राजा होते हैं, कभी मेरे से कोई गलती हो गई और चढ़ाई कर दी मेरे ऊपर, मैं तो ठहरा ब्राह्मण, क्षत्रिय तो हूँ नहीं, लड़ना तो जानता नहीं, एक पल में मेरा आधा राज्य भी राजा ले लेगा। फिर मन ने कहा, अरे कितने बुद्धू हो तुम, राजा प्रसन्न हुआ है, मुंह मांगा इनाम मिलने वाला है, क्यों आधे पे सौदा करता है, पूरा की पूरा क्या ले ले, राज्य ले ले। और अब क्लाइमेक्स आ गया, इसके आगे तो कुछ जगह चिंतन की थी नहीं, वो क्लाइमेक्स आ गया जिसके आगे अब कुछ नहीं है। और एक बार मन ने फिर दोहराया अंदर में, हे कपिल, तू कपिल नहीं, तू कौन है अब, कपिल राजा बनेगा, मैं राज्य मांगूंगा राजा से। और एकदम से कहते हैं, जब भी कोई विचारधारा क्लाइमेक्स पे पहुंचती है तो ज्यादा देर वहां टिक नहीं पाती, और जब वहां से गिरेगी तो सीधा 100 से कहां आ जाती है, 0 पे। ऐसा ही हुआ, कपिल को एकदम धक्का लगा, अरे तू कैसा है, राजा के लिए पास आया था 2 मासा सोना मांगने, और जिसने तुझे वरदान दिया, मुंह मांगा इनाम मांगने को कहा, तू उसकी पूरी जागीर, पूरा राज्य क्या करना चाहता है, हड़पना चाहता है, धिक्कार है। अब ये चिंतन की धारा पर चिंतन से कहां लौटी, स्वचिंतन, क्लाइमेक्स पे चली गई, उससे आगे तो कोई रास्ता ही नहीं था। अब वो सोच में पड़ गया, धिक्कार है मेरे इस मन को, धिक्कार है मेरी इस इच्छा को, कि मैंने क्या कर दिया, इतना निकृष्ट मैं निकला कि जिसने मुझे इतना प्रसन्न होके चीज मांगने को कहा, मैं उसे ही हड़पने के लिए तैयार हो गया। और इस चिंतन की इतनी ग्लानी उसके भीतर में आई, मगर आपको पता है मन बहुत चालबाज होता है। मन ने कहा, अरे ये जो तेरे अंदर में चिंतन चला, वो क्या राजा को पता है, पता है राजा को चिंतन, पता है क्या राजा को चिंतन करने गया, ये पता है तेरा ये चिंतन, क्या माँ जानती है तेरा ये चिंतन, क्या तेरी प्रेमिका जानती है, तेरे विद्या गुरु जानते, कौन जानता इस चिंतन को, कौन जानता है इस चिंतन को, ये चिंतन गहराई देता है। हम अपनी, हाँ हम अपनी ओर तो आ जाते हैं, वो सोचने लगा, चिंतन करने लगा, क्या मेरे इस चिंतन को, क्या मेरे इस विचारधारा को, क्या मेरे विचार तो जानते हैं कि नहीं, बताइए, मेरे विचार को मेरे विचार जानते, विचार विचार को जानता है, जैसे हम कहते हैं शरीर शरीर को जानता है, क्या जानता है शरीर शरीर को, शरीर शरीर को जानता है क्या, नहीं। क्रोध क्रोध को जानता है क्या, नहीं। विचार विचार को जानेगा क्या, नहीं। चिंतन चिंतन को नहीं जानता, तो कौन है जानने वाला। और भावधारा अंतर्मुखी हो गई, कौन है जानने वाला, कौन जानता है इसे, और उत्तर मिला, जानने वाला तो मैं ही हूँ। फिर आगे और गहराई वाला चिंतन, सुन लेना, नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, आगे और गहराई वाला चिंतन, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, और गहराई वाला चिंतन में वो जाता है कि मैं जानता हूँ, ऐसा कौन जानता है कि मैं जानता हूँ, फिर से बोलूँ,
ऐसा कौन जानता है कि मैं जानता हूँ। पहले मैं जानता हूँ समझ आया, जानने वाला मैं हूँ समझ आया, मगर मैं जानने वाला हूँ ऐसा कौन जान रहा है कि मैं जानने वाला हूँ। सुंदर, यानी मैं जानने वाला हूँ, ये कौन जानता है कि मैं जानने वाला हूँ, ये जानने वाला ही जानता है कि मैं जानने वाला हूँ। यानी मैंने दूसरे को नहीं जाना, मैंने किसको जाना, मैंने अपने को ही जाना। यानी जानने वाला भी मैं और जानने में आने वाला भी मैं, ये हो गया कंप्लीट अंतर्मुक्ता का चिंतन। मैं जानने वाला एक पक्ष। फिर जब गहरा चिंतन होता है तो यहाँ से शुरू होता है कि ये किसने जाना कि ये मैंने जाना, तब उत्तर निकलता है, अंदर का स्वर निकले, अंतस्वर निकले, अंतरनाद ये गूंजे जब कि जिसने ये जाना वो अपने आप को ही जान रहा है। जानने वाला ही अपने आप को क्या कर रहा है, जान रहा है। यानी जानने वाला ही जानने में आ रहा है, मैं ही जानने वाला, मैं ही जानने में आने वाला। और इतनी अंतर्मुखता अंदर में अभेद हो जाती है, अभेद यानी निर्विकल्प हो जाती है। मैं जानने वाला और विचार जानने में आ रहे तो क्या हो गया, भेद हो गया। मैं जानने वाला और मैं ही जानने में आने वाला तो क्या हो गया, अभेद हो गया। अभेद का नाम निर्विकल्प है। जब भी अनुभूति होगी उपयोग हमारा अभेद होगा, निर्विकल्प होगा। और कहते ऐसी ही अनुभूति कुछ उस कपिल को उस अशोक वाटिका के नीचे हुई। जाति स्मरण ज्ञान तो हुआ सो हुआ, साथ ही उनका मोक्ष मार्ग भी खुल गया, आत्मदृष्टि खुल गई, सम्यक दर्शन हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। जाति स्मरण के आधार पे पूर्व जन्म भी जान लिया। देख रहे हैं कैसी साधना पूर्व जन्म में थी, थोड़ी बहुत भूले जो हुई हैं उस भूल को सुधारने के लिए क्या मिला था ये जन्म, और कहाँ भूले पड़े थे, मगर इस चिंतन ने ऐसा निमित्त दिया। अब वो राजा तो वेट कर रहा है, ये कुछ ज्यादा ही चिंतन चल पड़ा इधर। वो राजा वेट कर रहा है कब आएगा, क्या मांगेगा, इसको दूं तो मैं राज सिंहासन से उठूं। और उसने राज पुरुषों को भेजा, जाओ कपिल को बुला के लाओ, उसको दिए बिना मैं राज सिंहासन से नहीं उठूंगा। अब वो कपिल तो नहीं रहा वो वाला कपिल, अब तो रोल पूरा बदल गया। और वो उठ के खड़ा हो गया, वो आने को तैयार हो गया। अब भी राजा के सामने खड़ा है, पहले भी राजा के सामने खड़ा था, पहले किस रोल में खड़ा था, अब किस रोल में खड़ा है। पहले वो जिस रोल को कर रहा था वह रियल की पहचान नहीं थी, और अब रोल तो आधा हो रहा है मगर रियल की पहचान हो चुकी है। राजा ने कहा, बेटा बता तो सही तुझे क्या चाहिए, तू राज्य भी बोलेगा तो आज मैं देने को तैयार हूँ। बड़ा शर्मिंदा हुआ कौन, कपिल सोच रहा है, हे राजन मुझे तो निज धन मिल गया, अब मुझे कोई भी धन, मैं तुम्हारा उपकार मानता हूँ कि तुम्हारे निमित्त से मुझे क्या मिला, ये निज धन मिला है, मेरा मोक्ष मार्ग खुला है। इसलिए राजन गोधन गजधन रत्नधन कुछ भी नहीं मुझे चाहिए, खान सुखान कुछ नहीं चाहिए मुझे, जब आवे संतोष धन सब धन। अरे बोल के तो देख लो, इतना कुनकुना, गोधन गजधन रतन धन कंचन खान सुखान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। राजा हैरान हो गया, दो मासा के लिए आया हुआ क्या शब्द बोल रहा है, क्योंकि अंदर की व्यवस्था बदल गई, बाहर में तो वही दिख रहा है, बाहर में तो वैसा की वैसा दिखता है, मान्यता बदल गई, अंतर की व्यवस्था बदल गई। और उस कपिल ने कहा, राजन मुझे निज धन की पहचान हो गई, मुझे निज धन मिल गया, मुझे ये धन आपका नहीं चाहिए, मैं आपका उपकार मान के यहाँ से जाना चाहता हूँ। कहाँ जाएगा कपिल, अब कपिल
राजपुरोहित कपिल नहीं रहा, अब विद्यार्थी कपिल नहीं रहा, अब प्रेमी कपिल नहीं रहा, अब चोर कपिल नहीं रहा, अब चिंतनशील कपिल भी नहीं रहा, अब तो वो कपिल आत्मदृष्टि कपिल हो गया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, न माँ के पास जाएगा, न प्रेमिका के पास जाएगा, न विद्या गुरु के पास जाएगा, कहाँ जाएगा? जंगल का रास्ता नापता है, वहां साधु मुनि की खोज करता है, दीक्षित हो जाता है। 6 महीने की आत्म साधना से कपिल को केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। जाति स्मरण ज्ञान जब हुआ था तब देख लिया था, पिछले जन्म में मैंने अकेले ने साधना नहीं की, मेरे साथ 500 साथी थे, मेरे साथ 500 शिष्य के रूप में 500 साथी थे, सबने मिलकर के सदनिमित के रूप में साधना की थी, सबने ये भावना भाई थी कि अगले जन्म में यदि हमें ये साधना करनी पड़े कहीं हम मार्ग से ना भटके, हम एक दूसरे के क्या बने, सदनिमित्त बने, कल्याण मित्र बने, ये भावना भावी हुई थी। और इसलिए कहते हैं कपिल जब विचरण कर रहे, केवली बन गए, अब मुनि भी नहीं रहे, क्या हो गए, केवली, कपिल केवली विचरण कर रहे थे और एकदम से जिस अटवी से जंगल से निकल रहे थे 500 चोरों ने उनको एक साथ घेर लिया। चोर बोला मैंने, शिष्य नहीं, 500 चोरों ने उनको एक साथ घेर लिया। क्या देख करके, हाथ में झोली थी ना, पात्रा था, इसलिए घेर लिया कि कुछ तो होगा इन पात्रों में, ढक के ले जा रहे हैं, माल होगा, धन होगा। 500 के 500 ने घेर लिया और कपिल केवली ने कहा मैं पात्र तो बाद में खोलूंगा, मेरे पास जितना धन है वो सब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और बैठ गए 500 की 500, बैठ गए 500 चोर। और कपिल केवली ने अपनी कथा शुरू की कि मेरे पास वो धन है जिसे कोई लूट नहीं सकता, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे हवा उड़ा नहीं सकती, जिसे पानी गला नहीं सकता, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, और बताओ मेरे पास ही भी नहीं तुम्हारे पास भी, ऐसा कि ऐसा, उतना कि उतना अनंत खजाना है। बात उन्हें अच्छी लग रही, क्यों अच्छी लग रही, ये जन्म जन्म की साधना है। अगर आज आपको आत्मा की बात अच्छी लग रही है तो आप भी ये निर्णय कर लेना, पिछले जन्मों में सुनते आए हैं मगर पिछले जन्मों में जो भूले की वो इस जन्म में नहीं करना, अगर दोहरा ली और भी भूले तो फिर पतन का रास्ता। ये तो कपिल केवली संभल गए, 500 चोरों को उनका निमित्त मिल गया, 500 चोरों को बात इतनी अच्छी लग रही कि अच्छा ऐसा भी खजाना होता है। उन्होंने कहा तुम तो खजाना लूटते हो और तुम्हारे पास ऐसा खजाना जिसे कोई लूट ही, बड़ी जज गई उनको बात। अच्छा हमें भी दिखाओ कहाँ है हमारा खजाना, कहाँ छिपा है हमारा खजाना। और तब कपिल केवली ने अपनी ये सारी आप बीती कथा जितनी हमने आपको सुनाई ना अभी तक, वो सारी कथा किसको सुना रहे थे, वो उन 500 चोरों को सुना के संदेश लास्ट में उन्होंने दिया, जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्डई। जैसे जैसे लाभ होता जाता है वैसे वैसे लोभ का ग्राफ बढ़ता है, लाभ से लोभ बढ़ता है, इसलिए तुम उस लाभ की तरफ मत जाओ। एक लाभ ऐसा है जो लाभ हो जाए तो क्या होता है, अनंत धन का खजाना क्या होता है, खुल जाता है। फिर उन्होंने पूछा वो लाभ क्या है, और तब उनको आत्मा के स्वरूप की बात समझाई गई। सबने वो स्वरूप की बात सुनी और ऐसा ही होना था, ऐसी ही पूर्व तैयारी थी। 500 की 500 चोरों की आत्मदृष्टि खुल गई, उन्हें अंतर का खजाना मिल गया, 500 उनके शिष्य बन गए और कपिल केवली की तरह वे भी केवली बने और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। ये है कपिल केवली की इस कथा का सार, जो हमें इस भावना को भाने के लिए बोलता है कि परमुखी चिंतन को आप कभी भी कहाँ मोड़ सकते हैं, स्व की तरफ। एक बार अंतर्मुखी होने की देर है, अंदर वाला तो तैयार ही है आपको क्या करने के लिए,
दर्शन देने के लिए भी तैयार हैं, खजाना खोलने के लिए भी तैयार हैं, जो आपको चाहिए वो देने के लिए तैयार हैं। ऐसे सबकी अंतर्दृष्टि खुले, सबको मोक्ष मार्ग मिले, इन्हीं भावधारा के साथ ओम शांति।